नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। प्रश्न के हिसाब से px हमें दिया हुआ है, gx हमें निकालना है, भागफल qx हमें पता है x माइनस 2 और शेषफल भी हमें पता है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। px बराबर gx गुना qx प्लस rx। हर एक की मैंने वैल्यू पुट करी है, px की जगह ये px की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। बराबर बराबर gx हमें निकालना है तो gx की जगह gx गुना qx, qx की जगह मैंने qx की वैल्यू लिखी है ये x माइनस 2 प्लस प्लस rx की जगह मैंने rx की वैल्यू लिख दी है। ध्यान से देखना बच्चों, ये पूरा बहुपद यहां ऐसे का ऐसा ही लिखा है। यहां तक ये था माइनस 2x, जब ये इधर आया तो ये हो गया प्लस 2x, ये है प्लस 4, जब ये बराबर के उधर गया तो हो गया माइनस 4। बराबर यहां क्या बच गया, इस तरफ बराबर के राइट साइड पे जी एक्स गुना एक्स माइनस 2 बच गया। एक्स क्यूब वाली और कोई रकम नहीं है, 3x² वाली भी और कोई रकम नहीं है। उसके बाद देखो प्लस 1x प्लस 2x, ये बन गया प्लस 3x। उसके बाद देखो प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले 2, साइन बड़ी रकम का माइनस। यानी इस पूरे को हल करके ये आया है बराबर जी एक्स गुना एक्स माइनस 2। अगले स्टेप में ये एक्स माइनस 2 इस जी एक्स के साथ गुना हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये है जी एक्स के बराबर। हमें जी एक्स ही निकालना है, इसका मतलब जी एक्स निकालने के लिए हमें इस बहुपद को एक्स माइनस 2 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग तो हम सीख चुके हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से एक्स माइनस 2 को भाग करो। जब इस सारी भाग आप सीख चुके हैं तो ये सारी भाग मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस पूरी भाग को करने के बाद हमारे पास शेषफल आ गया 0 और हमारे पास ये आ गया भागफल, आ गया x² माइनस x प्लस 1। ये आप पूरी भाग करके देखना, आपको नहीं समझ आया मैंने सब कुछ आपके लिए यहाँ पे कर रखा है। तो इसका मतलब भागफल आ गया x² माइनस x प्लस 1, यानी इस बहुपद को x माइनस 2 से भाग करने पे हमारे पास x² माइनस x प्लस 1 आया और यही gx की वैल्यू थी। यही हमें निकालना था, फाइंड gx। तो हमने इस बहुपद को x माइनस 2 से भाग करके शेषफल 0 आ गया, तो ये जो है ये gx हमारा आ गया है जो कि है x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा उत्तर है। ये भाग आप खुद करके देख लेना, ये वैसे आपके सामने की हुई है लेकिन आप खुद से करके देखना कि आपको आती है या नहीं आती, और क्या आपकी भाग और मेरी भाग मिलती है आपस में या नहीं मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। इस एक्सरसाइज के और बाकी भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ गेम्स एंड एक्टिविटीज बाय KMS को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।